आपका स्वागत है। मैं हूँ विनीता, प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेज प्रताप यादव का विधायक भोला यादव ने बचाव करते हुए भाजपा व आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी उल्टा बयान देकर ही उप मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उसके ऊपर अब कोई वैकेंसी नहीं है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के दिए बयान का समर्थन करते हुए बहादुरपुर विधायक भोला यादव ने कहा कि भाजपा और आरएसएस के लोग किसी भी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, अनर्गल बयान देने में ये लोग माहिर हैं। उन्होंने कहा कि सुशील कुमार मोदी की बेटी की शादी तो हो गई, लेकिन कोई विवाद नहीं हुआ। उन्होंने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सुशील मोदी अनर्गल बयान देकर उप मुख्यमंत्री बने हैं और उससे बड़ी कोई वैकेंसी नहीं है। जब वो लोग कोई बात बोलते हैं तो उनको अच्छा लगता है, और जब उन पर सीधा कमेंट होता है तो उन लोगों को बुरा लगता है। तेज प्रताप जी ने जो कुछ भी कहा है वो एक भावना के तहत कहा है, किसी पर हमला करने की बात नहीं कहा है। लेकिन अब उसको जिस तरह से तोड़ ममूर करके ये लोग पेश कर रहे हैं, ये ओछी राजनीति, इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय लालू प्रसाद जी ने स्पष्ट कर दिया है, तो क्या कोई हमला करने जाएगा किसी की बेटी बेटे की शादी में? या क्या हमला हुआ है? उनकी शादी तो हो गई, कोई एक चूहा भी नहीं गया ढेला फेंकने के लिए। तो ये बेवजह का अनर्गल बातों को तूल देने का भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों की आदत है, उनके फितरत में है, इसीलिए वो लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं। और सुशील मोदी जी तो हमेशा से कंट्रोवर्सी में रहे हैं और कंट्रोवर्सी में बने रहेंगे, क्योंकि उनके एक एक बयान में कंट्रोवर्सी रहता है। यदि उनके बयान पर ध्यान दिए तो समझिए जो एक डेग चलना मुश्किल हो जाएगा लोगों। हमारे हम अभी एक कोऑपरेटिव है, बिहार संसद विधानमंडलीय गृह निर्माण सहयोग समिति, उसके हम सचिव हैं। उसमें पूरी जांच करवाए हैं, चार पदाधिकारी को भेज करके पूरे रूप से जांच करवाए हैं, कहीं कुछ नहीं मिला है, उसके बावजूद भी अनर्गल बयान दे रहे हैं, तो उनको कौन रोक सकता है? अब तो अनर्गल बयान देते देते बिहार के डिप्टी सीएम बन गया, अब इससे ऊपर कहाँ जाएंगे? वैकेंसी ही नहीं। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए गौरव झा के साथ तुलसी झा की रिपोर्ट। विगत 17 अक्टूबर को बाकरगंज स्थित श्रीमान श्रीमती रेडीमेड प्लाजा कपड़े की दुकान में हुई चोरी का लहेरियासराय थाना की पुलिस ने उद्भेदन किया है। पुलिस ने दारू भट्टी चौक निवासी रंजीत चौधरी, बाकरगंज मोहल्ला के बाबुल कुमार तथा मनोज कुमार, अभंडा मोहल्ले के शशि कुमार तथा मुजफ्फरपुर के चंदन कुमार तथा ऋषभ कुमार को गिरफ्तार किया है और उनके निशानदेही पर चोरी का माल बरामद किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस को चोरों तक पहुंचने में सफलता मिली। क्या योजना तुम्हारे साथ?
में गिरफ्तार हुआ है। रिसीव से क्या संबंध हुआ? रिसीव से संबंध इससे क्या संबंध है? इससे हमका संबंध यही है कि यही लड़का आगे बढ़ाया पैसा से की मांग करता था ये बार बार, तो ये हमसे फिर पैसे से मांगने लगा, फिर माल हम दिए थे बेचने के लिए अच्छे जगह, तो हम कहा था कि माल मिलूंगा तो पैसे से कुछ रख ले सकते सामान वाल लेना ये कटरा यही बोल रहा था, अभी बोल रहा कि मेरे हम बोल रहे हैं बोले कि सर मेडिसिन के बारे में कुछ पता नहीं है, सर की जानकारी भी नहीं है मेडिसिन में क्या है नहीं है, हम बता दिए कुछ दिनों पहले लहरियासराय थाना अंतर्गत एक प्रतिष्ठित कपड़े की दुकान है श्रीमान श्रीमती, उसके गोदाम में चोरी हुई थी और अपराधियों द्वारा भागने के क्रम में उसमें आग लगा दिया गया था, सीसीटीवी को भी तोड़ दिया गया था, लेकिन तोड़ने के क्रम में एक अपराधी का फोटो उसमें आ गया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हम लोगों ने एक अपराधी को पकड़ा और फिर उसकी स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर पूरा गैंग डिटेक्ट हुआ, कपड़े भी कुछ बरामद हुए हैं जो उनके घर दुकान से चोरी किए गए हैं, उनका मिलान किया गया उनके बिल से, उन कपड़ों पर वो स्टिकर भी है जो बिल से मैच खा रहा है, सीसीटीवी फुटेज से जिस अपराधी का ये आया था वो भी उसमें आया है, वो पहले भी लूट और चोरी के मामले में जेल गया है, उसका एक सहयोगी जो मोतिहारी के अपहरण के मामले में जेल गया है वो भी पकड़ा गया, कुल अभी तक 5 व्यक्ति गिरफ्तार हैं जिसमें से 2 रिसीवर हैं और बाकी 1-2 और फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी चल रही है। कितने की सर चोरी हुई थी? चोरी लगभग 1,72,000 का बिल दे रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ कपड़े अपराधियों द्वारा जला दिए गए थे, ऐसा लगता है कि मतलब चोरी को अगलगी का रंग देने का प्रयास किया गया था। सर एक इसमें शातिर अपराधी भी है, अपहरण जैसे संगीन आरोप है, क्या है वो पूरा मामला? उससे जो पूछताछ हुई तो पता चला कि तुरकोलिया मोतिहारी में एक जगह वहाँ एक बहुत बड़े उद्योगपति किसी के बच्चे का अपहरण हुआ था जिसमें 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, उसमें भी ये 6 महीना जेल रहा था, 7 महीना जेल रह गया, उसका भी आरोप पत्रित अपराधी है। सर इसके ऊपर कितने कान अंकित है? सर अभी तक जो तुरकोलिया थाने का 2 केस का पता चला है, एक किडनैपिंग फॉर रैंसम है और एक आर्म्स एक्ट का मामला। यहाँ दरभंगा रहने का इसका औचित्य क्या क्या मतलब है? कुछ दरभंगा में ये अपने पिता के साथ रहता था और ये अपराधियों का गिरोह बना करके यहाँ पर कुछ घटना को अंजाम देने के का प्रयास कर रहा था और इस जो सीसीटीवी फुटेज से जो स्थानीय अपराधी पकड़ाया था उसी के माध्यम से इसकी पहचान और गिरफ्तारी हुई है। और भी कोई लोग की तलाश है इसमें पुलिस को? इसमें जो और इसके जो मोबाइल के नंबर है और इस आधार पर हम लोग देख रहे हैं कि मतलब इसके गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान की जा रही है। सर गिरफ्तार अपराधी ने बताया कि व्यवसायी सोना व्यवसायी और जो और लोगों के लूटने की योजना थी, ये मुजफ्फरपुर और पटना के बारे में बता रहे थे कि ऐसे ऐसी योजना थी, लेकिन अभी उसके बारे में हम लोग अभी जाँच के बाद ही बता पाएंगे। अगले साल के जनवरी महीने से दिल्ली मोड़ के निकट निर्मित बस पड़ाव से यात्री परिवहन हेतु बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। इस बाबत दरभंगा प्रमंडल में कमिश्नर HR श्रीनिवासन ने अधिसूचना जारी कर दी है और टेंडर की प्रक्रिया हेतु दरभंगा DM को निर्देश दिया है। दिल्ली मोड़ स्थित वासुदेवपुर बस स्टैंड चालू करने की कवायद शुरू हो चुकी है। अब नए साल के पहले माह से ही यहाँ दिल्ली मोड़ वासुदेवपुर में निर्मित बस स्टैंड चालू हो जाएगा। कमिश्नर HR श्रीनिवासन की कमेटी ने गुरुवार की शाम बैठक कर कमेटियों के संग विचार के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके टेंडर की प्रक्रिया को लेकर जल्द ही जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह पहल तेज कर कार्रवाई करेंगे। कमिश्नर के साथ 3 जिलों के DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, प्रभारी SSP सह SDPO दिलनवाज अहमद, मधुबनी के DM SK अशोक, SP दीपक अनवाल, समस्तीपुर के DM प्रणव कुमार, साथ ही जिला परिवहन पदाधिकारी के सचिव विनय कुमार ने अपनी ओर से मुहर लगा दी है। बता दें कि दिल्ली मोड़ वासुदेवपुर बस स्टैंड के चालू होने से शहर को बहुत हद तक जाम से निजात मिलने की संभावना है, खासकर कादिराबाद बेला मोड़ आदि इलाकों में बराबर की जाम से लोग को निजात मिलेगी। इतना ही नहीं, जल्द ही निकट भविष्य में
बाईपास रोड के सहारे बसों का परिचालन भी शुरू किए जाने की बात चल रही है। इससे समस्तीपुर से वाया दरभंगा, मधुबनी और दरभंगा वाया समस्तीपुर को जाने वाली बसों को शहर से प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा। इससे शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से बहुत हद तक निजात मिलेगी। हालांकि अभी इस पर बैठक होना शेष है। बहरहाल दिल्ली मोड़ वासुदेव पर बस स्टैंड के चालू होने से शहर की ही नहीं अन्य स्तर पर भी लोगों को राहत मिलने की संभावना बनी है। बस स्टैंड जो कदराबाद में है, फिर यहाँ आने का है जनवरी में संभावना है। क्या आपको लगता है कि बस यहाँ आने से पब्लिक को सुविधा होगी? यहाँ पर बस स्टैंड आ जाने से पब्लिक को बहुत जो है सुविधा होगी। यहाँ से लेकर के रैक पॉइंट जो हो गया है, उसमें जाम में जो फंस जाता है, चार चार घंटा गाड़ी लग जाता है। बहुत VIP है, बहुत ऐसा स्कूल है जिसमें विद्यार्थी लोग फंस जाता है। इससे जो है सो यहाँ बस स्टैंड आने से इस सब का तो राहत मिलेगा। पब्लिक को राहत मिलेगी, बहुत राहत मिलेगी। और हर जगह जो है सो टाउन से बाहर बस स्टैंड रहती है, इसी जगह दरभंगा में देख रहे हैं जो अभी तक बस स्टैंड जो है सो भीतर में लटका हुआ है। क्या नाम हुआ था? क्या नाम हुआ? कामोद झा। आ रही है सुविधा पब्लिक कितना होगी यहाँ? सुविधा हो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ जो जाम की समस्या ज़्यादा रहती है, यहाँ से जो 4 लेन बना हुआ है, 4 लेन से जो है सो पब्लिक यहाँ ज़्यादा उतरती है। यहाँ से फिर बस स्टैंड जाने के लिए पब्लिक को दिक्कत हो जाता है। क्या वो क्या आपको लगता है पब्लिक को सुविधा होगी? जी, पब्लिक को बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंदन कुमार झा। कौन जगह है? ये दिल्ली मोड़ है। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए राजू सिंह की रिपोर्ट। बाढ़ के दौरान हवस्त हुए सिमरा निहालपुर की PCC सड़क को मोटरेबल बनाने के लिए बहादुरपुर विधायक भोला यादव ने पहल शुरू की है और इस बाबत शनिवार को सड़क का निरीक्षण किया। विधायक ने बताया कि दरभंगा DM से सड़क मरम्मत हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पानी अंदर भर जाता है, इस शहर से पानी रिश्ता है, नदी घट जाता है, इसी के कारण ऐसा होता है। क्या हुआ रोड का, क्या स्थिति अभी? रोड का स्थिति देखिए ना, क्या पोजीशन है। कौन सा रोड है ये? आपको वाटर ब्रिज है, किसी सड़क ढलाई है। कहाँ जाती है ये रोड? ये आपको चतरिया से लेकर निहालपुर मिलता है रोड। सर, ये रोड डिस्टर्ब होने के कारण कितना गांव प्रभावित हो रहा है? कम से कम सिमरा निहालपुर चतरिया 3 गांव एकदम प्रभावित हो रहा है। क्या नाम हुआ? राहुल कुमार। यहाँ के हमारे जो ग्रामीण हैं वो लोग बताए हैं, हम लोग आए हैं यहाँ स्थल निरीक्षण किए हैं, ये पूर्ण रूप से रोड नदी में विलीन होने के कागार पर है। हम तत्काल अभी जिलाधिकारी से बात करते हैं और इस रोड को चालू करने के लिए तत्काल पोर्टेबल बनाने के लिए जो भी मिट्टी का जरूरत हो, जो भी कंक्रीट का जरूरत हो, डाल करके इसको रेगुलराइज करने के लिए जिला प्रशासन से बात करते हैं। चूँकि पोर्टेबल रोड बनाने के लिए आपदा से काफ़ी पैसा आया हुआ है, तो इस पर बात करके इसको अविलंब हम चालू करवाने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ पुनः ये नए सिरे से बने, इस दिशा में भी सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर विधायक भोला यादव ने करीब 35 लाख की लागत से बनने वाली सड़कों का शिलान्यास किया। बता दें कि इस सड़क के बन जाने से हजारों को इसका लाभ मिलेगा। बहादुरपुर विधायक भोला यादव ने शनिवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के 5 जगहों का सड़क शिलान्यास किया।
इतना ही नहीं, उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र में 64 योजनाओं पर जल्द ही काम शुरू करवाएंगे। इसको लेकर स्वीकृति भी मिल गई है। शनिवार को विधायक ने कोकट में लगभग 6.99 लाख रुपए की, वसतपुर में 5.45 लाख रुपए की, सिमरा नेहालपुर में 6.99 लाख रुपए, शाहपुर में 7.90 लाख रुपए व डिलाही में 7.22 लाख रुपए की लागत से 5 सड़कों का शिलान्यास किया, जिससे विधानसभा के हजारों लोगों को इस सड़क का लाभ मिलेगा। शिलान्यास के दौरान राजद नेता दशरथ यादव भी मौजूद थे। आज 4 योजना है सामुदायिक भवन का, जिसका कि प्रत्येक का लागत 6,99,400 रुपये का है और एक जगह घाट का है, तो कुल मिला करके 5 योजनाओं का आज रखे हैं। दूसरा ने 5,43,000 तो घाट का 5,43,000 का है। ये अभी 64 योजना का शिलान्यास करना है जो हमारे एचपी से होना है, उसमें आज 5 है। इसी तरह से क्रमवार 5-7 करके 4-5 करेंगे। हमारा क्षेत्र इतना पिछड़ा इलाका है, बाढ़ग्रस्त इलाका होने के कारण रोड सड़क का स्थिति जर्जर है। सरकार को जितना ध्यान देना चाहिए उस हिसाब से नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी हम अपने प्रयास से लगे हुए हैं। जितने भी रोड क्षतिग्रस्त हुए हैं और जितने पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हुए हैं, उस सब का ब्यौरा बना करके सरकार में भेजे हैं और कुछ पर कार्रवाई शुरू हुआ है, कुछ पर कार्रवाई होना बाकी है। प्रयास में है जल्द से जल्द आवागमन सामान्य हो, उस दिशा में काम हो जाए और जो रोड पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको निर्माण शीघ्र करवाने के लिए सरकार से आग्रह किए हैं। और कुछ जगहों पर नए पुल के लिए भी स्वीकृति हुआ है, जिसमें अभी एक महादेवा घाट का टेंडर निकल गया है, बासदेवपुर के महादेवा घाट का। दूसरा ये छपरार का भी पुल का टेंडर निकल गया है और तीन ही पुल से मठ छपरार के बीच में जो सड़क है 3.5 किलोमीटर सड़क, उसका भी टेंडर निकला है। कुल मिलाकर के विकास की जो गति होनी चाहिए, अपने भरसक हम प्रयास में लगे हुए हैं कि तेजी से हो, लेकिन सरकार बदल जाने के कारण थोड़ी शिथिलता आई है। हम समझते हैं उस शिथिलता को दूर करते हुए विकास को आगे बढ़ाएंगे और जो हमारा इलाका पिछड़ा हुआ है उसको सुदृढ़ करने का काम करेंगे। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए तुलसी झा के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की दरभंगा इकाई के तत्वाधान में कमेटी की बैठक डाक बंगला परिसर में हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष राजीव कुशवाहा समेत अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में सदस्यता अभियान तथा शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार को लेकर विचार विमर्श हुआ। लोक समता पार्टी की एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में शिक्षा जागो अभियान, शिक्षा को जागरूक करना है, शिक्षा को जगाना है, उसके विषय पर आज चर्चा हुई। मैं 30 जनवरी को हरेक स्कूल पर मानव श्रृंखला की एक गुट बनेगी, जिसमें शिक्षा को जागरूक किया जाएगा। मेरा नाम राजा शाह। पार्टी के तत्वाधान में आज 25/11 को एक दिवसीय बैठक बुलाया गया है। बैठक का एजेंडा है जो हम लोगों को विशेष सदस्यता अभियान चलाना है। दूसरा मुद्दा है जो 30 जनवरी को कर्पूरी जयंती के शुभ अवसर पर हम लोगों को हरेक प्रखंड में, हरेक पंचायत में एक स्कूल पर 10 से 11 घंटा मानव कतार लगाएंगे, जो कि
हमारे 18 प्रखंड में यह कार्यक्रम होगा और सदस्यता अभियान जो हम लोगों को तेजी लाना है, विशेष सदस्यता अभियान चलाएंगे, यही हम लोगों की मुद्दा है। और आज हमारे कई नए सदस्य पार्टी में आए हैं और उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। दूसरा बात है जो संगठन में 10 विधानसभा में हरेक विधानसभा में प्रभारी हमने आज सभी के सहसम्मति से आज चिन्हित किए हैं 10 विधानसभा में। यही मेरा क्या नाम? राजीव कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जिला अध्यक्ष दरभंगा। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के दरभंगा जिला के तत्वावधान में एक दिवसीय कार्य समिति की बैठक की गई, जिस बैठक में मुख्य एजेंडा पार्टी के सभी कार्यक्रम को दरभंगा जिला के 18 प्रखंड में संगठन को काफी मजबूत करना और जो जिस तरह से तेजी से दरभंगा जिला में हमारी पार्टी की संगठन पर आम जनताओं और नेताओं और कार्यकर्ताओं जो हमारे पार्टी के जो लगे हुए हैं, जिससे हम लोग काफ़ी खुश हैं और हमारी पार्टी दरभंगा जिला में बहुत संगठन मजबूती की ओर जा रही है और हम लोग प्रदेश के नेतृत्व के हिसाब से जो भी कार्यक्रम का अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी ने आपको बखूबी से बताया, उस पर हमारे संगठन के सभी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष महोदय और जो जिला नगर के अध्यक्ष हैं सभी लोग लगे हुए हैं, हम लोग भी पार्टी में लगे हुए हैं, इनके साथ हर एक प्रखंड में हम लोग जाके पर्यवेक्षक की भी हम लोग नियुक्त किए हैं आज, जिसका नाम जो है सो आप लोगों के माध्यम से भी प्रकाशित किया जाएगा और हम लोग काफ़ी संगठन के प्रति हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संगठन हमारी मजबूत हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए, इसीलिए अब कार्यकर्ताओं की सदस्यता अभियान चलाई जाएगी, जो सदस्यता अभियान के माध्यम से हमारी संगठन और मजबूत होगी। मनोज, खेल व युवा मंत्रालय के तत्वाधान में शनिवार को DMCH के ऑडिटोरियम में युवा महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन जिला उप विकास आयुक्त डॉक्टर काली प्रसाद महतो ने किया। Thank you.
शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि बहुरानी जी के अलावा पटना के NVN स्कूल के प्राचार्य अरविंदर कुमार सिंह तथा जन कांग्रेस पार्टी के अरुण जी क्रांति भी उपस्थित थे।
कानन इंग्लिश स्कूल में किक बॉक्सिंग की प्रतियोगिता होने जा रही है। बिहार से 15 जिलों से बच्चे आए हुए हैं, यहाँ तक कि दरभंगा में DPS स्कूल के बच्चे हैं, मैक मिलन के बच्चे भाग लिए हुए हैं। और इसकी बहुत बड़ी विशेषता ये है कि केंद्रीय सरकार ने हर विद्यालयों में योगा का प्रावधान रखा है। किक बॉक्सिंग से बच्चों के मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास होगी और ये बच्चे स्वस्थ भविष्य में रहेंगे। इसके लिए कार्यक्रम को चालू किया गया है, शुरुआत की गई है। मैक मिलन इंग्लिश स्कूल में डांस कंपटीशन भी प्रोग्राम किया गया है, जिसमें इस विद्यालय के बच्चों के अलावा और भी दूसरे विद्यालय के बच्चे भाग लिए हैं। साथ ही साथ एक इंटरटेनमेंट के लिए यह प्रोग्राम किया जा रहा है कि किक बॉक्सिंग देखने वाले लोगों में काफ़ी रुचि है, फिर भी उनके मन को और अधिक उत्तेजित और उत्साहित करने के लिए डांस कंपटीशन का आयोजन किया गया है। आज जो है स्टेट किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप और कुछ डांस प्रोग्राम है हमारे स्कूल में। कहाँ कहाँ से बच्चे आ रहे हैं और क्या उनका फ्यूचर है आगे? 28 जिले से बच्चे आ रहे हैं और फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जो स्पोर्ट्स आप जान ही रहे हैं कि आज के देश में बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहा है स्पोर्ट्स में, कोई भी बच्चा आजकल के बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है स्पोर्ट्स में। और हम लोग भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अगर मान लीजिए कोई बच्चा किसी चीज़ में अच्छा है तो उसको और आगे निखारने का। चीफ गेस्ट कौन कौन था? चीफ गेस्ट हमारी हैं वो नाम है इनका, सॉरी नाम थोड़ा मिस कर रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अतुल वर्धन हुआ। क्या है? अतुल वर्धन। आप क्या हैं स्कूल? हम डायरेक्टर हैं स्कूल के। छात्रों के नामांकन एवं परीक्षा फल प्रकाशन में हो रही समस्याओं को लेकर छात्र जनता दल द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय के नरगौड़ा पैलेस के निकट छात्र दरबार का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद इमामुल हक ने की। इस दरबार में सैकड़ों छात्र सम्मिलित हुए। देखिए, पूर्व घोषित कार्यक्रम है, ये सिर्फ छात्र और विश्वविद्यालय के हित के लिए हम लोग एक छोटी सी प्रयास है कि आखिर विश्वविद्यालय और छात्रों के बीच में कैसे समन्वय हो। कि अभी आपने सुना ही है एक छात्र की जुबानी, क्या क्या समस्या छात्रों को उठानी पड़ रही है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे छात्रों को सही मार्गदर्शन देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। छात्र अगर अपनी समस्या को लेकर भी जाते हैं कहीं पे, तो उनको सही रूप से मार्गदर्शन नहीं दिया जाता है, जिसके कारण छात्रों को इधर उधर घूमना पड़ता है और बहुत से बिचौलियों के भी शिकार हो जाते हैं छात्र। और यही कारण है कि कई बार छात्र छात्राओं को परीक्षा के नाम पर, नामांकन के नाम पर, परीक्षा फल के नाम पर अवैध वसूली भी किया जाता है। तो ये सब बहुत निंदनीय कार्य है और हम लोग इस पे जो है पूरा नज़र बनाए हुए हैं। और हम लोगों का मेन प्रयास ये है कि छात्र छात्राओं की जो भी समस्या है, चाहे वो कक्षा से संबंधित हो, परीक्षा से संबंधित हो, या परीक्षा फल से संबंधित हो, या विश्वविद्यालय में जो बहुत सारी समस्या है पेयजल की हो या फिर शौचालय की हो, क्योंकि मैं बार बार यही मांग करता हूं कि पेयजल और शौचालय जो है वो डिपार्टमेंट में कई जगह है, लेकिन सार्वजनिक शौचालय की भी व्यवस्था होनी चाहिए। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत, धन्यवाद।